अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। याखुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा जंक्शन गिर जाने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आई। ये वाक़या तकरीबन 8:30 बजे पेश आया और 11 बजे तक ना कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और ना एरिया कॉरपोरेटर समीना मैडम भी यहाँ पर विज़िट नहीं किए। यहाँ पर बड़ा हादसा होते होते टल गया और यहाँ बारिश की वजह से लाइट के खंभे भी झुक गए और जंक्शन भी गिर गया। यहाँ पर कई मकानात हैं, वहाँ की आवाम को जान का ख़तरा लाहक था। आवाम के इतला देने के बाद 11 बजे के बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग वहाँ आकर अपना काम शुरू किए। कहीं ना कहीं याखुतपुरा चंचलम कॉरपोरेटर समीना मैडम की लापरवाही देखने मिली। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना तालाब चंचलम कॉरपोरेटर। आज एक हमारे पास जो पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से नाले की दीवार गिर गई थी और उसकी वजह से शायद आज ट्रांसफार्मर भी गिर गया। और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान, कोई माली नुकसान नहीं हुआ। फिर भी हम जो है ना कोशिश करने के बावजूद 8:30 बजे कुछ ट्रांसफार्मर गिरा, फौरी यही सब भी आ गए और जो ना पूरा डिपार्टमेंट आ गया और फिर किरण मंगाए, फिर हटाए पूरा। और फिर करीब करीब 2 घंटे लगे, मोबाइल ट्रांसफार्मर भी आ गया और वो कुछ कुछ कंडक्टर कुछ चाहिए लोगों को वो लाइन चालू करने के लिए, वो लोग अभी लाइन चालू कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पर। शायद पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से मतलब रोडें जो है ना बिल्कुल एकदम नरम हो गए और ये हिस्सा जो है ना इधर रेलवे ब्रिज का इधर का हिस्सा है ना अंदर का, तो शायद से वजह से हुआ। फिर भी हम जो ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, वक्तिया तौर पे हुआ और टाइम पे डिपार्टमेंट आ गया और जो है ना मोबाइल ट्रांसफार्मर भी ला लिए और उसको किरण से हटा दिए और अब लगा रहे हैं। इंशाल्लाह एक आधे घंटे के अंदर लाइट भी आ जाएंगी। शुक्रिया मैडम। इसका ट्रांसफार्मर का जो बेस बनाते हैं जो है कम से कम 4 से 5 फीट जमीन के अंदर होना चाहिए। जी हाँ, 2 फीट अंदर है और इसका बेस भी ज्यादा बड़ा नहीं है। जी हाँ, वो तो मैं भी देखी हूँ। नाले के बाजू है और उसकी मट्टी नरम रहती है वहाँ पर। जी हाँ, उस हिसाब से बनाना चाहिए। नहीं, वो बेस कॉन्ट्रेक्टर की लापरवाही है या डिपार्टमेंट की लापरवाही? नहीं, बेस जो रहता मैं जहाँ तक समझती हूँ एक 4 फीट तो अंदर होना चाहिए था उसका बेस। तो वो जो बेस 2 फीट है, वो 2 फीट है तो वो एक चीज़ है, पॉइंट आउट करने वाली बात है वो तो। मगर साथ ही साथ क्या है, वो नाले के बाजू का है ना, बिल्कुल नाले के करीब का है तो नाले की ऑलरेडी दीवार गिर चुकी थी तो वहाँ की जो मट्टी है हट गई, समझिए आप। हटने से अब जो पानी पड़ा उसकी वजह से ये भी संभालने से, अगर शायद वो 4 फीट अंदर अगर होता तो शायद अपने को ऐसा नहीं होता था होगा। उसको नीचे से बेस बड़ा भी चाहिए ना? नहीं है, नहीं है वैसा, नरम होना है। नहीं वो नहीं है, वही तो बोल रही हूँ, वो नहीं है। वो बिल्कुल वाकई में आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है कि जो है ना वो ज्यादा डीप नहीं था वो। देखा जा रहा मैडम की जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं नाले के करीब नाले के बाजू लगा दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो है ना लोग अपने को जगह भी देना ना, जैसा हमारे हॉस्पिटल के बाजू को लगा हुआ है, कोई अपने घर के सामने खंबा डालने नहीं दे रहे, उसी वजह से ऐसा हो रहा। ऐसा कोई बात नहीं, अभी ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह लगाएंगे। चलिए कौन के आजू बाजू वाले कोई भी घर वाले कोई देंगे जगह तो बराबर लगाएंगे, क्या जरूरत है नाले। डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त मैं नहीं थी और ये अंदाजा बोलना मुश्किल है क्योंकि डिपार्टमेंट लापरवाही करा या तो कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही करा। हाँ बात ये तो है कि 4 फीट गहरा रहना चाहिए था, वो 4 फीट नहीं है क्योंकि हमको ऊपर से दिख रहा हो,
अगर वो 4 फीट अगर अंदर होता तो ये नहीं गिरता था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि खुदा ना खास्ता अगर इंसानों पे गिर जाता या घर पे गिर जाता, देखिए अब उनके घर में छोटे बच्चे थे, ये अल्लाह ताला ही बचा लिए, खुदा ना खास्ता इतना बड़ा ट्रांसफार्मर गिर जाता, कोई कोई बड़ा हादसा हो जाता तो बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस जो ना इस किस्म के वाकयात नहीं हुए जैसा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ शायद पानी के पड़ने की वजह से भी ये एक और एक बात है कि जो ना बिल्कुल नरम हो गई ना जमीन उसकी एकदम लगा के 2 से 3 महीने हुआ बोल के बता रहे हैं, पहले ये साइड में था बोल के बता रहे हैं, ये साइड में था मगर रेलवे वाले जब ऑब्जेक्शन करे तो हटाए बोल के बता रहे, हटाए इमीडिएटली निकालो बोल के, ऐसा हुआ 3 महीने में फेल हो गया। नहीं 3 महीने में फैलने हुआ अंदाजे से बोले शायद वो ज़्यादा ही टाइम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 महीने का हाँ कोई अंदाज़ा नहीं है टाइम का, एक अंदाजे से बोल दिया लगा कुछ नहीं। नालों पे जलसाना मना रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर जो है नालों के कोनों पे बना दे रहे हैं। देखिए मुखिया अहमद तुम बिगड़ा दो, ये फूल भी अधर हो गया नहीं क्या देखेंगे भाई जैसा बोलते कि भाई इन्हें भी चला था कि देखते क्या है वाला हमें इन्हें भी पहले कमजोर यहाँ से सब आपके कोई हिसाब आए क्या
जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।